अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आए हैं अहमदनगर, और अहमदनगर के जितने भी तारीखी मकामात हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंशाल्लाह इस व्लॉग में आज हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें से सबसे पहले हम आए हैं दमड़ी मस्जिद। तो यहाँ की बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल, करीब 500-600 साल पुरानी मस्जिद है, इंशाल्लाह उसका विजिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आए हैं अहमदनगर की दमड़ी मस्जिद देखने के लिए। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तारीखी, 450 से 550 साल पुरानी मस्जिद बताया जाता है। बहुत ही यूनिक इसका स्ट्रक्चर है। बताया जाता है कि एशिया खंड की 10 खूबसूरत मस्जिद में से एक ये मस्जिद है। और ख़ास बात कि इस मस्जिद का जो नाम रखा गया है दमड़ी, वो इसलिए रखा गया है कि उस वक्त का जो करेंसी है, जिसे दमड़ी कहा जाता है, तो यहाँ के जो मजदूर थे जब किला बन रहा था, ये मैंने सुना है, तो उस वक्त मजदूरों ने दमड़ी दमड़ी जमा करके ये मस्जिद बनाए थे, इसीलिए इसे दमड़ी मस्जिद कहा जाता है। ये इसकी तारीख है। अंदर दीवारों पर नक्काशी की गई है, दीवारों को तराशा गया है, खूबसूरत उस पर आयतें लिखी गई है, अरबी और फारसी लिखी हुई है, वो हम अंदर चलकर देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के लिए। हम लोग अंदर चलते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। अब आप लोग करीब से देखो तो यहाँ पर आपको अरबी में कुछ देखिए लिखा हुआ दिखेगा, और ये पत्थर को तराश कर बनाई हुई डिजाइन है, जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत है, और इस मस्जिद की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती है। ऐसी बारीक डिजाइन, मतलब आप लोग देखोगे यहाँ अरबी भी लिखी हुई है, इसी के साथ में छोटे छोटे यहाँ पर डिजाइन बनाई गई खूबसूरत सी। और आप लोग यहाँ देखो तो मेंबर और मेंबर के ऊपर आपको फिर से यहाँ पर अरबी लिखी हुई दिखेगी, और इसी के साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी आप लोग देखिए कितना खूबसूरत तरीके से वहां पर नक्काशी की गई, तराशा गया। और इसी तरह से बहुत सारी जगह पे दीवारों पर लिखा हुआ है, और यहाँ भी कुछ पत्थर पे लिखा हुआ है। अब ये है क्या असल में फारसी है और क्या लिखा हुआ है, ये तो हमको एक्चुअल पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ है तराश कर पत्थर पर। और जिस तरह से मस्जिद खूबसूरत है, उसी तरह से पूरी मस्जिद में डिजाइन भी यूनिक बनाई गई है। आप लोग करीब से देखिए, अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर देखिए कितनी बारीक डिजाइन इस पर बनाई गई है, वो भी पत्थर को तराश कर। पूरी मस्जिद पत्थर में बनी हुई है, काले पत्थर में बनी हुई है। जैसे कि बताया जाता है कि जालना की जो काली मस्जिद है, सिमिलर है, लगभग इसी के जैसी वो भी दिखती है। तो आप लोग अगर जालना की काली मस्जिद देखे हो तो यहाँ पर भी आए, अहमदनगर की दमड़ी मस्जिद जरूर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अतराफ में कब्रस्तान है, तकरीबन 10 एकड़ का कब्रस्तान शायद इस मस्जिद को लगता है, और जो कब्रें बनाई गई है बाहर, बहुत सारी कब्रें हैं, वो भी कोई 200 साल, कोई 250 साल पुरानी कब्र है। तो ये जो मस्जिद है, इसको मजदूरों द्वारा फकीरों के जरिए बनाई गई थी इस मस्जिद को, और दमड़ी दमड़ी जमा करके बनाए थे, इसीलिए इसे दमड़ी मस्जिद कहा जाता है। ये तारीख हम तक पहुंची है, आप लोग इसको जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस मस्जिद की खसूसियत में से एक ये भी खसूसी चीज आपको देखना जरूरी है कि ये मस्जिद बिल्कुल जैसे इस साइड से बनी हुई है, वैसे सेम उस साइड से, मतलब कि मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज कैसा होता है आप लोग गौर करें, आप लोग इधर आए, जैसे सेम यहाँ पर डिजाइन, जैसे सेम यहाँ पर एक छोटा सा मेहराब वगैरह बना हुआ है, जैसे इधर की डिजाइन, सेम टू सेम उधर की डिजाइन, बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, ये आप लोग सोचोगे ये तो कॉमन चीज है, तो एक चीज और बताता हूँ आप लोग देखो, जैसे नीचे पत्थर लगे हुए, मतलब कि ये आप देख रहे हो इतना बड़ा पत्थर, ऐसे सेम एज इट इज ऊपर, वैसे ही पत्थर लगा ऊपर। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है 8 कोनों का पत्थर डिजाइन किया हुआ है, सिंपल समझने के लिए, ऐसे ही एज इट इज देखिए ऊपर भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको क्यूबिक बताता हूं, मतलब कि कोई क्यूब है, तो आप देखो ऐसा ही क्यूब, जो क्यूब यहां पर बना हुआ है उसके अंदर में, वैसे ही सेम आपको देखो सामने भी देखने को मिल रहा है, सेम डिजाइन। जैसे यहां पर आप लोग देखो, ये इस तरह से डिजाइन की गई है और इस तरह से डिजाइन किया गया है, यही सेम नक्शा एज इट इज ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ की बहुत खास बात है, बहुत एक यूनिक फीचर कह सकते हैं उस मस्जिद का। दूसरी बात कि यहाँ पर जो मस्जिद को जो घड़ी लगी होती है मस्जिद में दीवार पर, उसका कांटा कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, बल्कि अटक जाता है, फिर जब आप उसको निकालोगे तो कांटा स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात कि मस्जिद के छत पर आप अगर पैसा ऐसे फेंकते हो, नॉट किसी चीज में लपेट कर, तो नॉट ऊपर जाके चिपक जाती है, 2-4 दिन के बाद गिरेगी नॉट।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस मस्जिद में, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इबादत होना जरूरी है, यहाँ पर पांच टाइम की नमाज जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है जो हमने बताई। हमारा मकसद इबादत होता है। अगर ऐसे कितने ही कमालात हो मस्जिद में तो हमारा अकीदा तो यही होता है कि मस्जिद में हमको इबादत के लिए आना है और अल्लाह के सिवा कोई चीज कुछ करने वाली नहीं है। तो ये सारे जो होते हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कमालात ठीक है, बाकी मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है। नॉट चिपकाना या घड़ी का कांटा देखना या मोबाइल का नेटवर्क बहुत ज्यादा टाइम तक मस्जिद में बैठने से फुल हो जाना, इसका इबादत से कोई लेना देना नहीं। तो इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी, और बाकी ये जो चीजें हमने देखी फीचर्स, ये आर्किटेक्ट जो उस टाइम का था उसके कमालात थे जो हमको दिखाना था। जिस तरह से मैंने औरंगाबाद के बहुत सारे कुएं बताया उसी तरह से ये एक कुआ है। ये देखिए यहाँ का पानी, ये पत्ते गिरे हुए, ये दरख्त के पत्ते, वरना पानी असल में साफ है, बहुत अच्छा है। ये देखिए ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक और छोटा सा स्क्वायर कुआ, पहली बार देखे होगे, हमेशा आप गोल कुआ देखते हैं ना, ये स्क्वायर में मतलब चौकोन कुआ है। और यहाँ नीचे तक हम आ गए कुएं तक, थोड़ा पीछे जाओ, देखो आप लोग देखो, मैं कुएं के पास खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं हाथ से पानी ले सकता हूँ, ठीक है, तो पानी हम ले सकते हैं बिल्कुल। और ऊपर चढ़ के जाएंगे सीढ़ियों से, और नीचे कुएं के पास आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई बहुत ही खूबसूरत, वो भी आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। और जो मस्जिद की तारीख है वो भी इंशाल्लाह और हम कंटिन्यू करेंगे। ये कुएं में इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, दोनों ईंट से बंद कर दिया है जी। हमारे बुजुर्गों ने ईंट से इसको बंद कर दिया है, ताकि ये रास्ता इधर भी जाता था और इधर भी जाता था। जो ट्रेडमार्क मैंने आपको उधर बताया मस्जिद में, वो इसको मैच करता है, बीच में क्यूब है, वन वे गो टू हियर ओनली एंड यू कैन गो हियर ओनली, समझ रहे वहाँ पर, मतलब ये सारा पुराना थेरी है। हाँ, बस थेरी और है। उस चीज को समझना, इधर ये जो कुआ है असल में जिस तरह से पानी पीने के लिए इंतजाम था उसी तरह वजू खाना भी है। तो ये इतना यूनिक चीज है, मैंने कहा ना अहमद निजाम शाह अहमदनगर के फाउंडर है, लेकिन ये जितनी भी चीजें की गई ये मजदूरों के जरिए बनवाया गया है। और जो यहाँ पर फकीर और जो भी मजदूर जहाँ पर काम के लिए थे उन्होंने अपने पैसों से ये चीज़ें बनवाई है, दमड़ी मस्जिद, ये कुआ मतलब के वजू खाना, और ये कुआ पीने के लिए भी था शायद, और वजू खाना तो था क्योंकि स्टेप्स है, सीढ़ियों से आ सकते हैं। देखो इधर से बताओगे, एक मिनट आप लोग देखो, इधर से यहाँ से देखोगे तो आप ये स्टेप सीढ़ियाँ है पूरी, ठीक है, ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से नीचे जाना है। और दो रास्ते जो उन्होंने बताए अभी हमको, ये दो रास्ते, एक इधर की साइड में जा रहा है ये देखो, ये इधर और एक इधर, जो कि बंद कर दिए गए, ये दो रास्ते थे। चलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आज हमने अहमदनगर में देखा है, बहुत ही बढ़िया, वो कुआं जो वजू खाना कहलाता था, उस कुएं में रास्ते जो किले को जाते थे वो रास्ते, मस्जिद, मस्जिद के अंदर कुछ सिंबल, मस्जिद के अंदर मिरर इमेजेस, मस्जिद एक जैसी बनाई गई, मतलब दीवारें, छत और फर्श एक जैसा डिज़ाइन, नीचे जैसे पत्थर वैसे ऊपर पत्थर, माशाल्लाह। चांद बीबी के टाइम पर फिर से उस किले की तामीर को कंटिन्यू किया गया, फिर से उस किले को बनाने का काम स्टार्ट किया गया। उनके टाइम पे जो मजदूर थे वो इस जगह पे आकर रहा करते थे, बताया जाता है करीब 8 एकड़ के अंदर वो लोग यहाँ पर थे। और जब वो यहाँ रहते थे मजदूर लोग, तो उनके खाने पीने के लिए यहाँ पर पानी के लिए कुआं बनाया गया था, और खाने पीने का इंतज़ाम भी यही किया गया था। उसी के टाइम नमाज के लिए मस्जिद की ज़रूरत लगी, तो उन लोगों ने यहाँ पर मस्जिद तामीर करवाया जिसे दमड़ी मस्जिद कहते। इसमें सल्तनत का कोई पैसा नहीं था, इसीलिए इसे दमड़ी मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त की जो करेंसी थी उसे दमड़ी कहा जाता था। तो ये लोगों ने दमड़ी दमड़ी जमा करके दमड़ी मस्जिद तामीर करवा दी, क्योंकि इनको नमाज के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। तो जितने मजदूर थे वो भी ईमान वाले नमाजी, तो इन्होंने सल्तनत से कोई पैसा नहीं लिया, इसीलिए इस मस्जिद को कोई नाम नहीं दिया, बल्कि जैसे इन्होंने एक एक रुपया जैसे कहते हैं हम, वैसे इन्होंने दमड़ी दमड़ी जमा किया और मस्जिद को तामीर करवाया, तो इस मस्जिद का नाम भी दमड़ी मस्जिद रखा। तो ये है यहाँ की तारीख। और चांद बीबी ही के टाइम पे बताया जाता है कि अकबर बादशाह का बेटा जिसे मुराद कहते हैं, उसने इस किले पर पहली बार शायद हमला किया था, तो चांद बीबी ने रातों रात उस दीवार को वापस से रिपेयर कर दिया था, वापस से बना लिया था। और उनके ही टाइम पे चांद बीबी के निज़ाम के करीब 70 सैनिक जो कि हबशी थे कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे, इस तरह से बताया जाता है। उनकी भी यहाँ पर कब्रें बनी हुई,
तो बहुत ही तारीखी ये जगह है अहमदनगर की, आप लोग ज़रूर यहाँ विज़िट करें इंशाल्लाह। और ऐसे मकामा जहाँ पर हमारी तारीख जुड़ी हुई होती है आप लोग ज़रूर जाया करें और उनकी असल तारीख असल हिस्ट्री को मालूम करें। और इस व्लॉग को पूरा आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, और भी बहुत सारी तारीखी चीज़ें हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।